के लिए, एक बैग के लिए। अब हमें क्या करना है, इसके लिए लाइनिंग लगानी है। तो टू पीसेस मैंने इस तरीके से सिलाई लगा के प्लास्टिक वाली शीट को इस तरीके से अटैच कर लिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ अटैच हो गया। अब हम स्ट्रैप ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं इस तरीके से रेडीमेड स्ट्रैप यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कपड़े को फोल्ड करके भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें दो लंबी स्ट्रैप ली है इस तरीके से, 28 इंच की दो स्ट्रैप है और 18 इंच की मैंने दो स्ट्रैप ली है। तो चलिए हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ से मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे मार्क करना है। सेंटर पॉइंट से 3 इंच आपको इस तरफ जाना है, 3 इंच हम इस तरफ गए। उसके बाद यहाँ से 4 इंच मैंने यहाँ पे लंबाई में गई और यहाँ से भी 4 इंच लंबाई में गए। दोनों पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रैप लेनी है पहले लंबी 28 इंच वाली और उसे इस निशान ये मैंने इसे पिनअप ले कर लिया। अब जो 18 इंच वाली हमारी जिप है, स्ट्रैप है, उसे लेना है, इस तरीके से रखना है, यहाँ पे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पिंस को निकाल दीजिए इस तरीके से, ये देखिए। तो ये मेरी स्ट्रैप इस तरीके से इसके साथ अटैच हो गई। जैसे इस पे अटैच किया है सेम वैसे ही इस वाले पीस पे भी अटैच कर ली। मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया, एक स्ट्रैप इसके साथ और एक स्ट्रैप इसके साथ। अब हमें क्या करना है, यहाँ जहाँ हमने स्ट्रैप लगाई है यहाँ से हमें इसे शेप देनी। जैसे शेप इस पे दी थी वैसे ही इस पे भी दे दी। तो एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। अब हमें लाइनिंग लेनी। 18 इंच के दो मैंने इस तरीके से स्क्वायर पीसेस ले लिए लाइनिंग के लिए और इसमें से एक पीस पे हम पॉकेट लगाएंगे पहले। तो पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 9 इंच और ऐसे मैंने लिया है 18 इंच और 9 इंच की मैंने इस तरीके से जिप ली है। अब हमें करना क्या है, जिप की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से रखते हुए, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई की। ये मैंने सिलाई लगा ली, इसे पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे दूसरी तरफ को अटैच करना है, जिप का दूसरा एंड इस तरफ को रखते हुए इस तरीके से यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई, ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे भी दूसरी तरफ को पलटते हुए इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच, अब भी टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे अंदर की तरफ इस तरीके से रखिए और यहाँ से इसे इस तरीके से अप्रोक्सीमेट 1 इंच आपको इस तरीके से नीचे की तरफ जिप को बिठाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, ये दोनों तरफ मैंने इसे सिलाई लगा दी। अब यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से इसे सीधा, मैंने इसे सीधा कर लिया। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं लाइनिंग वाले पीस पे। तो इस तरीके से लाइनिंग वाला पीस लेना है, इसका सेंटर लिया, सेंटर से 5 इंच आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद सेंटर में इसे रखना है इस तरीके से, यहाँ पे रखते हुए यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, यहां से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। तो हमारी दो पॉकेट बन गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई, जिपर पॉकेट, दो पॉकेट के साथ रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये लाइनिंग वाला रेडी हो गया, ये मेन हमारा रेडी हो गया था, इस पे हमें जिप लगानी है। तो ये वाला पीस ले लेते हैं इस तरीके से, 18 इंच की मैंने जिप ली है, जिप का एक पीस हमारा इस पे लगेगा, एक पीस हमारा इस पे लगेगा। लगाना कैसे है, यहाँ से इसे सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ से 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरीके से रखना है, देखिए इस तरीके से मैंने रखा, फिर इसे इस तरीके से घुमाते हुए पूरा यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है और यहाँ से भी जब आप आएंगे तो 1/2 इंच छोड़ते हुए यहीं तक आपको सिलाई लगानी है। ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से देखिए इस तरीके से मोड़ा है, फिर पूरा लंबाई में सिलाई लगाते हुए यहाँ पूरा एंड तक सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ से इस तरीके से छोड़ दिया। आपको भी इसी तरीके से जिप को लगाना है। तो एक पीस मैंने इस पे लगा लिया, जैसे इस पे लगाया सेम ऐसे ही दूसरा पीस इस पे लगा लीजिए, यहाँ पे अटैच कर, जैसे जिप इस पे लगाई थी सेम मैंने इस पे भी लगा दी, सेम उसी तरीके से। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग वाला पीस इनके साथ अटैच करना है। ये ले लिया, इसके ऊपर हमें ये वाला पीस रखना है इस तरीके से रखते हुए, बराबर बिछा लीजिए। ये जो जिप है इसे अंदर की तरफ को कर दीजिए, इस तरीके से कर देना है, ये मैंने रख लिया, यहां से लेके
यहाँ तक इस पे सिलाई ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली ऊपर की तरफ। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब यहाँ से लेके इसे इस तरीके से करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे टॉप स्टिच लगानी। ये मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया और जैसे इसको फिनिश किया है वैसे ही ये वाला पीस भी कर लिया। अब हम इसे फाइनल फिनिश करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से बिठाना है। बराबर ये जो हमारे कट है इसे आपको इस तरीके से यहाँ से बराबर मिलाना है। ये देखिए, ये मैंने कट को यहाँ से बराबर मिला लिया। बराबर मिलाते हुए इसे अच्छे से बिठा लीजिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ से अप्रॉक्सीमेट इस तरफ से यहाँ से 6 इंच छोड़ते हुए यहाँ से लेके वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, पूरे पे मैंने इसके सिलाई लगा ली। बस यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया जहाँ से हम सीधा करेंगे। सीधा करने से पहले हम इसका बेस बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4 चारों कॉर्नर्स बनाएंगे। जैसे कट यहाँ पे किया था वैसे ही इस तरफ और यहाँ पे भी मैंने 2.5 इंच का कट कर लिया। अब हमें बेस बनाना है, चारों को इस तरीके से पकड़ना है। देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए 1, फिर इसे पकड़ना है एक कॉर्नर को, दूसरे 2 और सेम उसी तरीके से इसे पकड़ना है अंदर वाले कपड़े को फ्लैट बिछाते हुए इस तरीके से 3 और 4 सिलाई लगा ली बेस की। 1, 2, 3, 4 चारों पे सिलाई लगा ली। अब ये जो यहाँ से थोड़ा सा छोड़ा हुआ था यहाँ से हम इसे सीधा कर लेते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, जो थोड़ा सा ओपन था मैंने उस पर सिलाई लगा दी। अब इसे अंदर की तरफ को कर लीजिए, सारी लाइनिंग को अच्छे से तरफ को कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लीजिए और जिप को यहाँ से साइड से कपड़े से फिनिश कर। ये देखिए, ये मैंने इसमें रनर डाल दिया और जिप को साइडों से फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये बैग बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम साइड्स, इस तरीके से देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। काफ़ी अच्छे बड़े साइज का बना है, देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से हमारी इस तरीके से जिप है, ये देखिए इस तरीके से जिप ओपनिंग आ गई। अंदर की तरफ से देखिए प्रॉपर फिनिश बना है, कहीं भी आपको कोई रफ एजेस नहीं दिखेंगे। इस तरीके से वाइड इसकी ओपनिंग है, वाइड ओपनिंग के साथ एक पॉकेट हमारी यहाँ पर आ गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ पर आ गई, दो पॉकेट के साथ इस तरीके से वाइड ओपनिंग के साथ। ये देखिए, ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। तो बनाने में बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बना, देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप भी इस तरीके से पुरानी पैंट से घर पे ही इसे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से रनर इंसर्ट कर लिया और ये जो साइड था साइड से इसे प्रॉपरली कपड़े से फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ हमारी टॉप पे जिपर आ गई, यहाँ पर हमारे हैंडल आ गए। तो हमारा देखिए बैग बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, साइड्स, इस तरीके से बॉटम, ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज है। आप भी इसी तरीके से पुरानी पैंट से घर में ही बना सकते। देखिए और इजी तरीके से हमारा ये बैग बना है, काफी अच्छे साइज में बना है। पूरी 1 लीटर की आपकी इसमें इजिली बोतल आ जाएगी, वाटर बोतल। यहाँ से हमारी वाइड ओपनिंग है, अंदर हमने 2 पॉकेट दिए हैं, एक जिपर पॉकेट हमारी यहाँ है, एक पॉकेट यहाँ है और अंदर से प्रॉपरली फिनिश्ड है। इस तरीके से देखिए वाइड ओपनिंग, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अंदर सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ से जिपर के साथ ये हमारा बैग बिल्कुल विद स्ट्रैप, इस तरीके से देखिए स्ट्रैप के साथ ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है।